हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर हॉस्टल अवेल कर सकते हैं, और अगर आपको हॉस्टल छोड़ने हैं तो क्या उसकी रिफंड पॉलिसी है। ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस बता चुका हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस बता चुका हूँ, और अब मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहला तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है 2023 का पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें साफ साफ लिखा है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज में बताया है कि यहाँ पर चार हॉस्टल्स हैं, कुल दो गर्ल्स हॉस्टल हैं और दो बॉयज हॉस्टल हैं, जिनके अंदर अच्छी खासी कैपेसिटी है। अच्छी खासी कैपेसिटी का मतलब लगभग दो चारों ही हॉस्टल को मिलाकर लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट्स इनमें रह सकते हैं, जिनके अंदर बेसिक अमेनिटीज यानी कि बेसिक फैसिलिटीज सारी अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं कि हॉस्टल फी क्या है, और ये जो हॉस्टल वेकेंट अगर आप करते हैं तो कैसे करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है। तो हॉस्टल फी की सबसे पहले मैं बात कर लूँ, तो अगर आप हॉस्टल फी की बात करते हैं और आप जनरल स्टूडेंट हैं या ओबीसी स्टूडेंट हैं या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं, तो उस केस में आपके हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फी लगेगी 500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो हॉस्टल फी लगेगी इंक्लूडिंग मैस मेंटेनेंस फी, मेंटेनेंस फीस 1800 रुपीज़ है, 1800 रुपये है। इसके अलावा 8400 रुपये अलग से लगेंगे। हॉस्टल सिक्योरिटी 2000 रुपये रिफंडेबल, जो कि मैस सिक्योरिटी जो कि 2500 यानी कि 2500 जो कि रिफंडेबल है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर आपकी जो कुल हॉस्टल फी लगेगी वो लगेगी 13400 रुपये, यानी कि 13400 इन केस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के सेट कैटेगरी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 500 रुपीज जो हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फी है वो लगना ही लगना है। हॉस्टल फी निल है, कोई हॉस्टल फी नहीं लगेगी। मेंटेनेंस फी जरूर आपको पे करनी पड़ेगी 1800 रुपये। रिफंडेबल जो सिक्योरिटी और मैथ सिक्योरिटी है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर आपकी जो फी लगेगी वो लगेगी 6800 रुपये इन केस ऑफ एससी एसटी स्टूडेंट, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से आपकी जो फी लगेगी वो लगेगी 1800 रुपये। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से जनरल स्टूडेंट्स या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो फी है वो 8400 रुपये होगी, जबकि एससी एसटी स्टूडेंट्स की जो फी है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से 1800 रुपये होगी। बात कर लेते हैं यदि आपका किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, बड़ी यूनिवर्सिटी का मतलब पंजाब से भी बेहतर यूनिवर्सिटी में हो जाता है, या कुछ भी कारण से आप यहाँ इस यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हैं और आपने हॉस्टल अकोमोडेट कर लिया यानी कि हॉस्टल ले लिया है, तो उससे कैसे रिफंड करा सकते हैं। तो हॉस्टल अगर आपने अवेल कर लिया है तो इनकेस द कैंडिडेट विदड्रॉ कैंसिल द हॉस्टल सीट विद इन 30 डेज आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 30 दिन के बाद के अंदर अंदर आपको ये जो हॉस्टल है इसको कैंसिल करना है, जिस तरह से हमने हरियाणा में बात की थी उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 30 दिनों के अंदर अंदर कैंसिल करना है। द हॉस्टल फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग हॉस्टल फी ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ का जो रेंट है वो कट जाएगा और उसके बाद जो हॉस्टल फी है वो आपको रिफंड हो जाएगी। इनकेस द कैंडिडेट विड्रॉ कैंसिल द हॉस्टल सीट आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद यदि हॉस्टल विड्रॉ किया जाता है या कैंसिल किया जाता है फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल, ओनली हॉस्टल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड, तो केवल सिक्योरिटी मनी रिफंडेड होगी, बाकी कुछ भी आपको रिफंड नहीं होगा, यानी कि जो आप 8400 रुपीज़ प्लस 1800 रुपीज़ सबमिट कर रहे हैं वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो केवल और केवल आपको रिफंड होगा कब, जब आप 30 डेज के अंदर अंदर कैंसिल करते हैं। कैंसिलेशन की प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट परफॉर्मा फॉर रिफंड ऑफ हॉस्टल फी एंड और हॉस्टल सिक्योरिटी ड्यूअली फिल्ड फॉर द रिफंड ऑफ हॉस्टल फी एंड सिक्योरिटी मनी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ हॉस्टल सीट। हॉस्टल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्विटिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। फॉर रिफंड ऑफ हॉस्टल में सिक्योरिटी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट हॉस्टल नंबर ड्यू सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव हॉस्टल ऑफिस। तो ये सारे फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे, यानी कि हॉस्टल वैकेंट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कौन कौन से हैं, कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ।
फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे आपको, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जब पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पर। कहाँ जाना है आपको, आपको जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पर। स्टूडेंट कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। एक मिनट, ओपन हो रहा है ये, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाना है डाउनलोड फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ डाउनलोड फॉर स्टूडेंट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फॉर स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फॉर्म्स दिखाई देंगे। इसके अंदर कौन कौन से फॉर्म्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटी फॉर्म फॉर विच रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, एंटी रैगिंग के फॉर्म, आपके पेरेंट्स के भी साइन किए हुए, आपके भी साइन किए हुए। हॉस्टल के लिए फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन। फिर यहाँ पर नो ड्यूज फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर रिफंड ऑफ फी, हॉस्टल, मैथ सिक्योरिटी, एकेडमिक सिक्योरिटी। अब मैं फॉर्म्स दिखा देता हूँ इनके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन, ये ओपन कर लिया मैंने। इसके बाद एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर रिफंड ऑफ फी, ये मैंने कर लिया। रिफंड ऑफ फी, हॉस्टल, मैथ सिक्योरिटी, इन सबके सेम परफॉर्मा है। तो जब ये फॉर्म ओपन होगा, कौन सा वाला, जिसमें आपको हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फिल करना है, तो इसमें आपको क्या क्या अपनी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगी, आप कौन से सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, आपका रिलीजन क्या है, स्टेट कौन सा है, कौन सी कैटेगरी से हो, रजिस्ट्रेशन फी, हॉस्टल फी रेमिटेड बाय द स्टूडेंट, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर रखनी है आपको। फिर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अलॉट हुआ है आपको, आधार कार्ड नंबर, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड यानी कि आपके लोकल गार्जियन का या किसी गार्जियन का आपको यहाँ पर नंबर देना है, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारा आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा नीचे, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स आएगा, डिक्लेरेशन बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट आएगा, और उसके बाद ये ऑफिस यूज के लिए है जहाँ पर आपको हॉस्टल फी का पूरा फिल करके और ये यहाँ से हॉस्टल आपको अलाउड होगा। इनकेस आपको विड्रॉ करना है हॉस्टल से, है ना, तो हॉस्टल से विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको ये फी रिफंड का फॉर्म, जो फॉर्म है ये फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मा फॉर रिफंड ऑफ फीस, यानी कि अगर आप एडमिशन विड्रॉ कर रहे हैं तो रिफंड का भी फॉर्म यही है, हॉस्टल और मैथ सिक्योरिटी का भी यही है, और एकेडमिक सिक्योरिटी का भी यही है। इट इज़ नोटिफाइड दैट ऑल द स्टूडेंट फ्यूचर शुड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिफंड ऑफ फी, हॉस्टल, मैथ सिक्योरिटी, एकेडमिक सिक्योरिटी इन द एनक्लोज परफॉर्मा प्लीज। तो परफॉर्मा हम देख लेते हैं क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है रिफंड का, चाहे आप फी रिफंड करा रहे हैं, चाहे हॉस्टल से रिफंड कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं। आपका नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, स्कूल, सेंटर, मतलब आप कौन से कोर्स में है, सेशन कौन सा है, बैच कौन सा है, नेम ऑफ कोर्स कौन सा है, कितना अमाउंट है आपका जो रिफंड होना है, रिसिप्ट नंबर वो लगानी पड़ेगी जो आपने शुरू में पे किया था, तो उन सबको संभाल के रखना, कितना अमाउंट रिफंड होना है, रीजन फॉर रिफंड, क्यों आप छोड़ रहे हैं, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, ये सब आपको फिल करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है साइन वाइन करा के। तो ये पूरा प्रोसेस है पंजाब में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में और आपको हॉस्टल वहाँ पर चाहिए। तो ये दो, एक फॉर्म आपका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इनकेस आपको कैंसिल करना है तो उसका कैंसिलेशन फॉर्म अलग है। हॉस्टल फी क्या है ये मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल से रिफंड कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इनकेस कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।